गाइस, आई एम जोगवर। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, इन द लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राय सोनीपत की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करने पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2021 की एक लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी। इस वीडियो फाइल में वैकेंसी से संबंधित सारी डिटेल, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी लेंथी तरीके से दी गई हैं, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में एक प्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने लेकर आ रही हूं। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। पोस्ट है स्टोर कीपर ग्रेजुएट की, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन एंड मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन स्टोर या परचेज में मांगा गया है। साथ ही कैंडिडेट के पास नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल पर होना चाहिए एंड कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया है। नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल एंड कंप्यूटर नॉलेज हर एक वैकेंसी पर लागू होगी। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 है। योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन विद मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, ऑफिस एक्सपीरियंस इन क्लरिकल कैडर में मांगा गया है। साथ ही कैंडिडेट के पास एज अ टीचर हिंदी या संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट की नेक्स्ट पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है। योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन साथ में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर पर मांगा गया है एंड मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस एज जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पर मांगा गया है एंड कैंडिडेट के पास नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत ऑटोमेट्रिक लेवल एंड कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया है। तीनों पोस्ट की एज लिमिट सेम है, 18 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। लेवल 6 की यहां पर सैलरी मिलने वाली है 35,400 से लेकर 1,12,400। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है। कैंडिडेट के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10th पास होना चाहिए, साथ ही कैंडिडेट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल भी होना चाहिए एंड मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल में होना चाहिए एंड नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है क्लर्क कम डीईओ, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 10 है। योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एंड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग स्पीड मांगी गई है कंप्यूटर पर एंड नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल पर मांगा गया है। एंड अदर पोस्ट है दफ्तरी के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन मांगा गया है एंड कैंडिडेट के पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड भी मांगा गया है, नॉलेज ऑफ संस्कृत या हिंदी अप टू मैट्रिक लेवल पर होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तीनों पोस्ट के लिए एज लिमिट सेम है, 18 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। ड्राइवर की सैलरी लेवल 4 रहने वाली है, 25,500 से लेकर 81,100 है, जबकि क्लर्क कम डीईओ एंड दफ्तरी की सैलरी सेम है, जो कि लेवल 2 है, 19,900 से लेकर 63,200 है। बात कर लेते हैं लास्ट डेट की, 31 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है। अप्लाई फीस है
जनरल एंड आउट ऑफ स्टेट के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज है, जनरल फीमेल हरियाणा के कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज है, एससी डीएससी बीसीए बीसीबीई डब्ल्यूएस जो कि हरियाणा रेजिडेंस का होना चाहिए उनकी जो अप्लाई फीस है वो 250 है, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। इन अमाउंट्स की डीडी बनेगी, जो डीडी बनेगी इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत। अप्लाई मोड यहाँ पर ऑफलाइन है, ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पीडीएफ फाइल पर विजिट करना होगा। काफी नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट मिल जाएगी जिसमें अंडरटेकिंग में यहाँ पर एनेक्जर E1 में आपका एक फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके निम्न एड्रेस पर सेंड करना है। एड्रेस है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्लॉट नंबर 05 राजीव गांधी एजुकेशन सिटी राय सोनीपत हरियाणा 131029 पर सेंड करना है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में 80 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के बेस पर 10 नंबर दिए जाएंगे एंड इंटरव्यू में 10 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। इस तरह से टोटल मिलाकर 100 मार्क्स दिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स अचीव करना जरूरी है। मिनिमम 20 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए प्रत्येक कैटेगरी से बुलाया जाएगा एंड रिटन एग्जामिनेशन के मेरिट के बेस पर मिनिमम 10 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं रिटन टेस्ट का सिलेबस कैसा रहेगा। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्ट सब्जेक्ट से इफ एप्लीकेबल है 60 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, ईटीसी ऑफ हरियाणा से यहाँ पर मैक्सिमम 20 मार्क्स दिए जाएंगे। दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 80 नंबर का आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।